आया है वंदे मातरम को लेकर के, उसको लेकर एक बार फिर जो है वो हुआ, तो जब इस तरह का मामला है तो ऐसे मुद्दों से बचा क्यों नहीं जाता? जो बचा इसलिए नहीं जाता कि आप लोग बचने नहीं देते हैं। अगर उन्होंने एक बयान किया, उस बयान को आप जो है गोल कर दें तो वो बनेगा ही नहीं, लेकिन आप उसको उछालेंगे, आप उसको टेलीविजन पर दिखाएंगे, आप बार बार उसको बढ़ावा देंगे। अगर आप इस बात को बढ़ावा देते हैं कि देखिए उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ फतवा दिया, तो उसमें समाज से संतुलन बढ़ेगा, तो उस बात को आप बढ़ावा दें। जब वो कोई कड़वी बात कहते हैं, जब कोई बात कहते हैं जो बोलने वाली नहीं है, तो तब आप उसको बढ़ावा ना दें तो आपका वो फर्ज बनता है, तब आप उसको एक विषय ही नहीं बनाने, गोल कर दिया जाए इस तरह का। अगर जो है मतलब ये लोग बयान विषय विषय, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो लोग देखिए नेगेटिव बयान इसलिए भी किया जाता है कि उनको लगता है कि इसके जरिए से देखिए हम फिर हम नजर में आ गए, तो आपने तो उनका पर्पस सर्व कर दिया। तो नेगेटिव बयान को नजरअंदाज करना चाहिए। नेगेटिव बयान कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, किस हिस्से में दे रहा है, उसको ध्यान से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं उसको आप बिल्कुल गोली कर दीजिए, लेकिन किस चीज को उछालिए जिससे समाज में संतुलन पैदा होगा, और किस चीज को इतना बढ़ावा नहीं दे जिससे और प्रॉब्लम पैदा होगा।